वेलकम बैक टू मॉन्क एंड परमाणु। और आज के फिजिक्स सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट डेरिवेशन। अब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया होगा। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ में आप जाकर पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इन वीडियोज़ का, तो आप जाकर स्टडी करें। तो आज के डेरिवेशन के अंदर हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट करते हैं दो चार्ज, एक नेगेटिव क्यू एक पॉजिटिव क्यू, उसको रखते हैं हम ए पॉइंट पर, एक को रखते हैं हम बी पॉइंट पर। उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है डी, ए बी की वैल्यू होगी डी। अब पी एक पॉइंट रखते हैं जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू हो वो निकालनी है, वो पी पॉइंट है। ए पॉइंट को पी से ज्वाइन करते हैं, बी पॉइंट को पी से ज्वाइन करते हैं। अब इस डिस्टेंस डी का सेंटर लेते हैं, सेंटर से पी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं और इसको पीछे की तरफ खींचते हैं। ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट पर ओ पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी पॉइंट से बी डैश पर ओ पी पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब इस ट्रायंगल से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये होगा डी बाय टू कोस थीटा, और इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करें तो ये होगा डी बाय टू कोस थीटा। अब इसी तरह ये जो एंगल थीटा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एंगल थीटा होंगे। अब हम वैल्यू निकालते हैं, एक बात और लेट करते हैं हम, आर इज वेरी वेरी डी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। आर है पोजिशन वेक्टर यहाँ से यहाँ का, ओ पी को आर बोलते हैं, ओ पी क्या है, आर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है ए पी की, ए पी की जो वैल्यू होगी वो नियरली इक्वल होगी ए डैश पी के। नियरली इक्वल क्यों होगी, क्योंकि आर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है डी के मुकाबले, इसलिए डी का जो फैक्टर है वो इतना परेशान नहीं करेगा। जो ए पी की वैल्यू होगी नियरली ए डैश पी के बराबर होगी, और ए डैश पी की जो वैल्यू होगी वो होगी ओ पी प्लस में ओ डैश ए, यानी कि ओ ए डैश दिस प्लस दिस, ये वैल्यू है आर और ये वैल्यू है डी बाई टू कोस थीटा। तो इसलिए ए डैश पी की वैल्यू होगी आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा। इसी तरह हमें निकालनी है वैल्यू बी डैश पी की, बी डैश पी की जो वैल्यू होगी वो ए पी बी के बराबर होगी, लगभग इक्वल होगी। तो अगर हम वैल्यू निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसमें से अगर मैं ये निकाल दूँ तो मुझे बी डैश पी मिल जाएगा। तो बी डैश पी की जो वैल्यू होगी वो होगी ओ पी, यानी कि आर, आर में से अगर मैं ये निकाल दूँ डी बाई टू कोस थीटा, आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा। तो ये हमारी वैल्यूज़ होंगी ए डैश पी की, यानी कि इसकी और इसकी। अब मैं पोटेंशियल निकालता हूँ माइनस क्यू चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखा था, इसका पी पॉइंट के लिए पोटेंशियल होगा फॉर्मूला वी वन, माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू, यानी कि चार्ज है ओवर ए पी, डिस्टेंस उसका था ए पी, यहाँ ए था यहाँ पी था, और ए पी किसके बराबर है, लगभग ए डैश पी के बराबर है, और ए डैश पी की वैल्यू थी आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालते हैं, प्लस क्यू चार्ज के लिए हमने देखा था प्लस क्यू चार्ज यहाँ था, उसके लिए यहाँ, तो फॉर्मूला होगा वी टू, प्लस है तो प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर बी पी, बी पी नियरली इक्वल था बी डैश पी के और उसकी वैल्यू थी आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा। तो ये आ गई पूरी वैल्यू। अगर हमें पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के लिए तो वो होगा वी इजकल टू वी वन प्लस वी टू, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं, दिस एड्स टू दिस, तो ये क्यू ओवर आर माइनस डी बाई टू कोस थीटा, माइनस माइनस का साइन था तो ऐड होंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यू ओवर आर प्लस डी बाई टू कोस थीटा। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चला जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन ले लेते हैं तो क्यू बाहर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ, ये पूरा का पूरा यहाँ, आर से आर कट गया, ये बच गया टू डी बाई टू कोस थीटा, टू से टू कैंसिल, डी कोस थीटा बच गया, q
क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कोस थीटा, ये डी आर से बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए डी स्क्वायर की टर्म और वो भी 4 से डिवाइडेड बहुत ही छोटा होगा इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये सारी टर्म नेगलेक्टेड, ये बचेगा सिर्फ क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू डी कोस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ पी, यानी कि डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इस तरह जो वी की फाइनल वैल्यू होगी यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट पी, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन पी यानी कि मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कोस थीटा ओवर आर स्क्वायर। दैट्स ऑल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और देखते रहें मोंक एंड परमाणु की प्लेलिस्ट।